प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत टोंक में आयोजित श्री श्री उत्तम स्वामी जी महाराज की भागवत कथा को लेकर आज टोंक के कंकाली माता परिसर में पूजा अर्चना के साथ भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा का शुभारंभ सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया समिति के सदस्यों ने माता कंकाली की आरती के साथ इसका किया। विधिवत पूजा अर्चना के साथ में हजारों की तादाद में महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर विशाल शोभा यात्रा में शिरकत करने शामिल हुई। शोभा यात्रा कलश यात्रा टोंक के कंकाली माता मंदिर से घंटाघर मुख्य बाजार होते हुए विवेकानंद सर्किल के लिए रवाना हुई। इस शोभा यात्रा में हजारों नर नारी शामिल हुए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गांधी खेल मैदान टोंक में आज दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा और बाहर से पधारने वाले सभी धर्म प्रेमी आगंतुकों के लिए भोजन व आवास की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जा रही है। अपने आप में टोंक के इतिहास में हो रहा है आयोजन सौहार्द का आयोजन है। सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना पर भी इसके तहत प्रवचन किए जाने हैं। टोंक की आवाम के साथ ही आसपास के सभी क्षेत्रों से संस्था की ओर से अपील की गई है कि वह पधारें और ज्ञान के इस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति दें। सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।